जब ज्यादा गर्मी होनी ज्यादा सर्दी होनी इसने वापिस चले जाना, इसके बाद कोई जगह नहीं थी तो रणजीत सिंह ने इसके लिए वो जगह बनाई थी, वो तहखाना बना हुआ है, वो रूम लग जो दोबारा नीचे को नहीं है ये बेसमेंट में रूम बना हुआ है और रूम का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए सात कुआं बनाया गया था और कुएं से रूम को खिड़की दी गई थी, इसके पानी नीचे पानी था नीचे हवा नीचे जाती थी वेंटिलेट होकर खिड़की से वापस रूम में आया करती थी और रूम का टेम्परेचर मेंटेन रहता था और ऊपर वहाँ जहाँ पे खिड़कियाँ लगी हैं तीन जालियाँ लगी हैं यहाँ पे ये रणजीत सिंह का ड्राइंग रूम था। ये रणजीत सिंह का ड्राइंग रूम है सामने और इससे ये 12 तारीख की एम एस पी एल आर्थिक स्थानीय राशि की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस जो भुट्टो ने करवाई थी जी जी वो भी इस 12 तारीख के अंदर हुई थी और वो वाहक कॉन्फ्रेंस जिसमें सारे स्थानीय सरकार सामने आए थे वो यहाँ पे सारे खड़े थे नीचे सारी रहा खड़ी थी। ये इसका दूसरा क्वेश्चन है सहस पक्ष, इससे नीचे तीसरा क्वेश्चन आता है यानी कि सफेद 12 तारीख से नीचे तीसरा क्वेश्चन आता है हयात पक्ष, वो सामने मनार नजर आ रहा है आपको ये बाघ यहाँ तक है टोटल रकबा जो ये 41-41 एकड़ है। ये वाला जो क्वेश्चन है दूसरा ये वाला पोर्शन स्पेशल रक्स के लिए बनाया गया था, ये वाला पोर्शन शाहजहां चांद की रोशनी में यहाँ पे रक्स देखा करते थे, लोग इसे भी 12 दरी कहते हैं लेकिन ये 12 दरी है। मतलब 40 एकड़ का बाग सिर्फ घूमने फिरने के लिए गर्मी गुजारने के लिए 41 एकड़ का बाग बादशाह ने अपनी बेगम के लिए बनाया है। ये सेंटर वाला जो तख्त देख रहे हैं आप ये पानी के सेंटर में कैमरा अंदर यहाँ पे उस वक्त डांस हुआ करता था, ये राइट साइड पे छोटा तख्त बना हुआ यहाँ पे शाहजहां खुद बैठा करते हैं ये जो तख्त है जी और जो साइडों पे सूरत 12 दरिया राइट एंड लेफ्ट ये उस वक्त के इंस्ट्रूमेंट इनमें रखते थे और ये इस तरह डिजाइन की गई थी कि ये सोच देखें ये उस तरह उस वक्त 1641 में इस तरह डिजाइन की गई थी कि इनमें आवाज की इको ज्यादा रखी गई थी। बस मैं यही सवाल करने वाला था कि आवाज कैसे पहुंचती थी इतने इनमें इको की ज्यादा रखी गई थी, इनमें आवाज गूंजती और अभी भी गूंजती आप नीचे जाएंगे इनमें स्लैब करिएगा ये सुरख 12 दरिया साइडों पे है और ये आवाज पे पहुंचती थी इस तरीके से आवाज जी और सामने सफेद 12 दरिया इनमें शाही गेस्ट बैठा करते थे उस वक्त जो बाहर से आया करते थे इसको सोन और भादर भी कहा जाता है और इसके नीचे साइड पे वो नीचे जो सेंटर में बना हुआ है इसके नीचे ये मूर्तियां बनाई गई थी साइडों पे इनमें देसी घी के दिए रखे जाते थे जो पानी की आबशार नीचे गिरती थी और जो दिए की रोशनी आपस में जब मिला करते तो आसमान पर रेनबो बनती थी जिसे कलरफुल लाइन कहा जाता था और शाहजहां यहाँ से देख के खुश हुआ करते थे। रेनबो तो अभी बन रही है ऐसी बात नहीं है। उस वक्त शाही सवारी हाथी थी ये पहले डीप थी उसको मेंटेन करके दोबारा ऊंचा किया गया। हाथी यहाँ से नीचे लेके जाते थे ये शाही सवारी नीचे जाया करती थी अच्छा। तीसरे पोर्शन जिसको हयात बख्श बोला जाता है उस पर दो गेट है एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे, इस वाले को दिल्ली गेट बोलते हैं और इस वाले को लाहौरी गेट बोलते हैं और पहले गेट भी यही इस्तेमाल हुआ करते थे और ये जो स्टेप बनाए गए थे बड़े अगर वो ये सिपाहियों के घोड़े नीचे जाया करते थे ऊपर आए थे। आपको गाड़ी को सैर करवा रहा हूँ अपने वक्त का शाही पोर्शन था मीन्स के जब शाही फैमिली बाहर सैर करती थी तो इस पोर्शन के ऊपर मुकीम हुआ करती थी और किसी अदर पोर्शन को इजाजत नहीं थी इस पोर्शन के ऊपर आने के लिए। इसी तरह जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये मलका मुमताज बेगम जिनके लिए ये बाग बनाया गया था उनकी ख्वाबगाह गोरे से क्वीन बेडरूम बोलते हैं उर्दू में मिसर बोलते हैं मलका की ख्वाबगाह यहाँ पे मलका मुमताज बेगम और उनके साथ उनकी कनीज़ें यहाँ पे रहा करती थी। अस्सलामुअलैकुम जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा भाई आपका नाम क्या? मेरा नाम जी नुमान मोहम्मद नुमान। अच्छा नुमान अभी भी लोग शाहजहां और मुमताज की यादें ताजा करने के लिए जोड़ों की शक्ल में यहाँ पे जगह जगह बैठे हुए हैं। जोड़ों की शक्ल में जो जिसको हिस्ट्री का शौक है वो बाहर से भी आते हैं। बाहर से भी आते हैं जी जिनको शौक है। ये इसकी दूसरी एंट्रेंस है सर इसकी एक गेट जहाँ से आप आए वो खुला हुआ ये कॉलेज वाला रोड जो आता है शालीमार कॉलेज ये वो रोड है। पार्क का स्ट्रक्चर सेम पुराने वाले ही है लेकिन उनमें जो वो दरख्त है सारे नए हैं क्योंकि 1641 में भी इतने ही हाइट दरख्त ज्यादा हाइट दरख्त नहीं थे ये जो खुद आए बनाए बेसिकली इन्होंने दुनिया में अपनी जन्नत बनाई हुई थी। आया करते थे तो तीसरे पोर्शन पे मलका बैठा करती थी और उनकी कनीज़ें इन बागों से ताजे फल तोड़ के उनको पेश किया करती थी। आप इस पहले हर किस्म का फल था अब यहाँ पे ज्यादा आम और जामुन है। सही सर यहाँ से आपको आधा घंटा लगेगा वाघा बॉर्डर आपने जब जाना होगा यहाँ से 3 बजे निकले
आप परेड तक पहुंचेंगे, खुला डुला टाइम आपको कितने बजे होती है सर? असर ये राजस्थान खत्म हो गया, परेड शुरू हो जाएगी। सही है, तो असर हो रही है 5:30 बजे, 5 बजे 4:30 बजे तक, 4:30 बजे। ओके, आगे आपको पैदल भी चलना पड़ता है ना, काफी पार्किंग करके फिर आगे पैदल चलना पड़ता है आपको। ये सामने जी किंग बेडरूम था शाहजहां का कमरा। अच्छा, वहाँ क्वीन बेडरूम है, ये किंग बेडरूम बाद में सबसे पहले क्वीन बेडरूम बनाया गया था सर, पहले बनाया भी वो क्या था ना, बाद में बाकी सारा बाग बना था। एक रूम ये बना हुआ है और एक रूम वो है, दो रूम है। सेंटर में मेन गेट लगा हुआ जो डेडिकेशन के लिए खुलता है, और इसी गेट के बाहर वाटर टैंक रखे गए थे इन फाउंटेन को चलाने के लिए। शाहजहां और मुमताज की यादें ताजा करने के लिए लोग टोलियों की शक्ल में यहाँ आए। अभी तो मेला चरागाह स्टार्ट है, पहले जो मेला चरागाह लगा करते थे यहाँ पे बड़ी रौनक हुआ करती थी, दूर से काफले आया करते थे, मंदिर ही बड़ा बहुत बड़ा मेला हुआ करता था। अब तो मेला ही कुछ नहीं, 10 तारीख को मेला लग ही मेरा मेला। तू मुमताज है मेरे ख्वाबों की, मैं तेरा शाहजहां। वाह, शाहजहां भी वाह। भैया जहाँ से आप आए थे उसको बोलते हैं ड्रमर प्लेस, यानी कि निगार खाना ड्रमर प्लेस। उस वक्त जो शाही पैगाम आता था ना, तो इस वाले पोर्शन पे जिस बिल्डिंग से आप गुजर के आए थे हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे शाही थाप और निगारे बजा करती थी और अलर्ट किया जाता था कि बाहर तक बम लगा था। और इनकी भी यही क्वालिटी है, जिस तरह के भाई का वो नीचे भी क्वेश्चन था, इनमें आवाज कैसे पहुंचती है उनका, इनमें भी इको ज्यादा रखी गई थी। आइए आपको इसका भी चेक करवाते हैं। एक ही तख्त की सैर होगी या पांचों तख्त की? सबकी होगी सर। दरबारी खड़े हुआ करते थे, और कहा जाता है कि जब इनकी शाही सवारी आया करती थी ना, तो वो भी यहाँ के नीचे खड़ी हुआ करती थी और ये ऊपर से आके बैठा करते थे। आज के इनको चाहिए कैसे दरबारी? शाही 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 सारा वेरी गुड। पार्किंग में आई है, सो फिर सेम फ्रंट ऑफ द गार्डन है वाटर टैंक विच वॉज 200 फीट हाई इन द मुगल टाइम, सो दे वर टू फिल हिम बाय द रहट सिस्टम, जिसे हम रहट सिस्टम कहते हैं, कैनाल से पानी को उठाना, और उन बकेट्स जिसे मालें कहते हैं, टिने कहते हैं, टिने जो होती हैं वो बर्तन डब्बे से होते हैं जो कुएं से पानी निकालते हैं, और जो स्विमिंग करता है वो माल होता है, तो वो पानी इस तरह वो टैंक को करते थे, और 200 फीट हाइट से जब पानी पास होने करता था विद द प्रेशर और ग्रेविटी, देन वाज ऑल द कॉज ऑफ टू क्रिएट प्रेशर और ग्रेविटी टू एक्टिवेटिंग द होल फाउंटेन इन द गार्डन। राहों
आवाज न दे, दर्द में डूबे गीत न दे, हस सकता साज न दे, ओ हो जीवन बदला दुनिया बदली, मन को अनोखा ज्ञान मिला, आज मुझे अपने ही दिल में एक नया इंसान मिला, पहुंचा हूँ वहां नहीं दूर जहां, भगवान भी मेरी निगाहों से आ, पुरानी राहों से कोई मुझे साज न दे, ओ हो